हाय एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है क्रोनोलॉजिकल एज वर्सेस बायोलॉजिकल एज। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो क्रोनोलॉजिकल एज वो एज होती है जो हमारे बर्थ के बाद स्टार्ट हो जाती है। हम जितने साल इस मतलब जिंदगी में हमें आए हुए हो गए हैं, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज होती है हमारे बॉडी की असली एज। हमारे सेल्स, हमारे ऑर्गन्स कितने एज हो चुके हैं उसके हिसाब से बायोलॉजिकल एज निकलती है। अब बात करते हैं कि क्रोनोलॉजिकल एज तो हमारे बस की है नहीं, क्योंकि वो तो जैसे है वैसे ही रहेगी। लेकिन बायोलॉजिकल एज पे डेफिनेटली हमारा कंट्रोल है। हम फुली एजिंग को रिवर्स तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एजिंग को थोड़ा डिले ज़रूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे सेलिब्रिटीज मिलिंद सोमन है, अनिल कपूर है, जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर उनकी बायोलॉजिकल एज देखेंगे तो वो काफ़ी यंग हैं अगर हम उनकी बॉडी की कंडीशन देखें। तो क्वेश्चन इज दिस कि हम बायोलॉजिकल एज कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसका बहुत सिंपल तरीका है। उसके लिए हमें चार चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नेस, NESS, एन इज फॉर न्यूट्रिशन, E is for exercise, S is for sleep, and another S is for stress. तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो वी शुड ऑलवेज नो कि जैसे जैसे हम एज कर रहे होते हैं, हमारे बॉडी की जो हमारे मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जब हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं तो हम एक अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएं। एंड बाय अच्छा न्यूट्रिशियस खाना है कि हमारी जो डाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड हो, और हम घर का खाना खाएं, प्रोसेस फूड ना खाएं, और रिफाइंड शुगर से जितना हो सके उतना बच के रहें, क्योंकि रिफाइंड शुगर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंकल एंड एजिंग ऑफ द स्किन। सेकेंड इज एक्सरसाइज। वी मस्ट नो कि एक्सरसाइज इज नॉन नेगोशिएबल। चाहे आपका एम वेट लॉस हो या ना हो, एक्सरसाइज इज मस्ट। एंड बाई एक्सरसाइज आई जस्ट डोंट मीन स्ट्रेचिंग और योगा, आई ऑल्सो मीन कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी एंड्योरेंस पे काम करें, विच इज़ बाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जिसके लिए अगर आप जिम जा सकें वेरी गुड, अगर आप मेरी तरह जिम नहीं जा सकते तो एटलीस्ट आप घर पे कुछ वेट ट्रेनिंग करके अपने बॉडी को रेजिस्टेंट ट्रेन करके अपनी मसल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड इज स्लीप। मैंने पहले भी कहा है स्लीप काफ़ी अंडररेटेड है। हमें लगता है कि स्लीप बहुत नेसेसरी नहीं है, और यूजुअली हम अपनी स्लीप के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बट माइंडेड ब्यूटी स्लीप डस एग्जिस्ट, और डीप स्लीप हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अब तो स्टडीज़ भी कहती हैं कि एटलीस्ट हमें 7 आवर्स स्लीप तो ज़रूर चाहिए, और डीप स्लीप में हम काफ़ी कैलोरीज भी लूज करते हैं। तो अगर आप रियली यंग रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, तो प्लीज़ अपनी स्लीप को बहुत 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 ज़्यादा प्रायोरिटी दें। एंड दी लास्ट एस इज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस से मेरा मतलब है कि हम चाहे कितना भी फिजिकली खुद को फिट रखें, अगर हम मेंटली फिट नहीं हैं, अगर हम स्ट्रेस में रह रहे हैं, हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं असर नहीं करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ में स्ट्रेस को कम से कम फील करें। मैं जानती हूँ 100% स्ट्रेस तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए लाइफ में खुश रहने की और कम से कम स्ट्रेस लेने की, और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की। तो आई जस्ट होप कि आप कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में अच्छा न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप और लेस स्ट्रेस को लाने की, और हेल्दी रहेंगे और बायोलॉजिकल एज को रिड्यूस करेंगे। सो हैव अ वेरी 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 नाइस डे। थैंक यू।